हेलो गाइस, तो मैं अभी उठ चुका हूँ और देख सकते हैं आज मेरे को जाना है सप्तशृंगीगढ़। तो मैं और मेरा जो आज ये हम दोनों मिलकर जा रहे हैं सप्तशृंगीगढ़। तो गाइस, तो यहाँ पे अभी हम फाइनली आ चुके हैं बस स्टैंड पे। बस की मतलब आज हम जाने वाले थे बस से, लेकिन बस की वेट देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे बस ही आ नहीं रही थी। वो जितने सारे जो लोग हैं उनको भी जाने का था सप्तशृंगीगढ़। जो हमारे सामने लाल ड्रेस वाले हो उनको भी जाना था मतलब सप्तशृंगीगढ़, लेकिन बस ही नहीं आ रही थी। हम कौन सी गाड़ी आ रही थी? मैं और मेरी जो दादी माँ हम दोनों जा रहे थे, लेकिन एक सामने बस आ गई, लेकिन ये हमारे कुछ काम की नहीं है क्योंकि हमें जाना था सप्तशृंगीगढ़ और ये जा रही थी पास में। तो अभी इसको हम जाने देते हैं। तो कुछ लोग चले गए, तो अभी मैं यहाँ पे बहुत ही बोर हो चुका था क्योंकि बस की वेट देखते मतलब बहुत जाम हो गया था। यहाँ पे देख रहा था, टाइम पास कर रहा था। कभी सामने कैमरा करता हो तो यहाँ पे जो रोड है, यहाँ ये रोड से आने वाली थी बस, लेकिन बस आती ही नहीं, बहुत टाइम लगा देती है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे बस आ चुकी है और मैं बैठ चुका हूँ बस के सामने मतलब जो ड्राइवर के बाजू में जो सीट रहता है वो सीट पे मैं यहाँ पे बैठ चुका हूँ। तो बैठने के बाद अभी मेरे को भी ईडो निकाल रहा था, तभी मेरे को ड्राइवर बोला ईडो नहीं निकाल सकते भाई यहाँ पे आगे बैठकर। तो फाइनली गाइस, तो अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं सप्तशृंगीगढ़। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत बहुत छोटे छोटे दुकान है। यहाँ पे सब जो देवी का सामान रहता है, मतलब जो चढ़ावे के लिए ले जाते हैं, वो यहाँ पे सब कुछ मिलता है, मतलब हार वगैरह नारियल जो भी चाहिए वो यहाँ पे मिल जाता है। तो मैंने और मेरे जो दादी माँ हम दोनों ने यहाँ पे नारियल और जो देवी का मतलब सामान रहता है वो सब ले लिया। तो अभी हम जा रहे हैं जो सामने वाले जो चढ़ कर जाते हैं वहाँ से जो मेन गेट है उधर से हम जा रहे हैं। देख सकते हो वहाँ पे ऊपर नाम भी लगा रखा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम फाइनली पहुँच चुके हैं जो मेन गेट है ऊपर जाने का वहाँ पे। तो फाइनली गाइस, तो अभी हम लिफ्ट से जाने वाले हैं, मतलब मैं नहीं जाऊँगा, मेरे आजू को यहाँ पे मैं छोड़ने के लिए आया था लिफ्ट में, तो मैंने अपने लिफ्ट से छोड़ दिया और यहाँ पे मैं आ गया मेन द्वार से ऊपर चढ़ते वक्त बाहर से आ गया। अभी बहुत भीड़ भी थी, यहाँ से नज़ारा भी बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा था, भगवान जी का दर्शन भी कर लिया। राधा कृष्ण था, हमें चढ़े जा रहा था, लेकिन लोग भी बीच बीच में आ रहे थे। मैं फास्ट फास्ट मतलब जा रहा था, लेकिन लोगों को मतलब बीच में आ रहे थे। अभी क्या बताऊँ तुम्हें। तो अभी मैंने आगे कैमरा ऑन किया तो मेरे को बहुत ही मतलब भीड़ दिखाई दी। तो मैं अभी ऊपर चढ़कर गया, जैसे ही ऊपर चढ़कर गया तो अभी देखा तो बहुत ही मतलब लोग रुके रहे थे। तभी मैं ऊपर यहाँ पे चढ़ के देखा तो मतलब पूरी की पूरी मतलब भीड़ ही दिखाई दे रही थी, मतलब पूरे के पूरे लोग रुके रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए कितना लोगों की भीड़ है। यहाँ पे देख सकते हो मेरी दादी माँ है, वो यहाँ पे देखी हंस रही है, वो मेरी दादी माँ है। इतने भीड़ में उसका दर्शन अभी करने का है, देवी का दर्शन, आए तो दर्शन करके ही जाएंगे। तो देख सकते हैं फाइनली हम यहाँ पे आगे पहुँच चुके हैं। तो मैं यहाँ से ही अपने मतलब वीडियो फोटो वगैरह सब कुछ यहाँ से निकाल रहा था, क्योंकि आगे जाकर मोबाइल निकालने की परमिशन नहीं है सामने जाकर, तो वो जितने भीड़ में कहाँ से मतलब, इसलिए मैं यहाँ से दूर से ही मतलब वीडियो फ़ोटो वगैरह सब कुछ यहाँ से निकाल लिया। तो मेरी जो दादी माँ हो गई इस भीड़ में अभी दर्शन करने के लिए, मैंने तो अपना दर्शन मतलब पहले ही कर लिया था, तो आज यहाँ मतलब मेरी दादी माँ आने से पहले, तो यहाँ से मैं अभी वीडियो मतलब सब कुछ यहाँ से निकल रहा था, क्योंकि आगे जाकर मतलब वीडियो निकालने की परमिशन नहीं है, कैमरे वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगा रखा था, इसलिए मैं यहाँ से वीडियो निकल रहा था। तो आज जो संडे था इसलिए इतनी भीड़ थी, नहीं तो इतनी तो ज़्यादातर भीड़ नहीं रही थी, लेकिन संडे की वजह से यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो मतलब चलने तक हम यहाँ पे तीन चार घंटे से यहाँ पे रुके रहे थे, तब हमारा दर्शन हो गया। तो अभी फाइनली
यहाँ पे मैं थोड़ा सा नीचे आ गया और ऊपर का नज़ारा दिखा रहा हूँ, मतलब ऊपर दिखाई दे रही होगी आपको जो जाली है, तो वो जाली क्यों लगा रखी है जो वहाँ पे जो पत्थर वगैरह जो गिरते हैं वो नीचे नहीं गिरना चाहिए, इसलिए वो ऊपर ही अटक जाना चाहिए, इसलिए वो जाली लगा रखी थी। यहाँ से सीन भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा था। तो मिलते हैं अगले